एडमिशन इन MBA, देन डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो, बिकॉज कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके करियर में चार चांद लगाएंगी, जो आपको दो साल बाद प्लेसमेंट दिलाएंगी, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। So hi, my name is Arshi Khan and you're watching MBA with Arshi Khan. In this video, I'm going to talk about क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको अब करनी है जब आप ऑलरेडी MBA में एडमिशन ले चुके हो। आई नो अभी तुम स्टार्ट बने घूम रहे होगे, या फिर मतलब कॉलेज लाइफ, कुछ के तो ऑफलाइन कॉलेज स्टार्ट हो गए, कुछ की वो ऑनलाइन क्लासेस जहाँ पे अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने क्लासमेट्स के चेहरे और अपने टीचर्स के चेहरे देख पा रहा हूँ। तो ये बहुत अजीब फेज है, और मतलब अब रिलैक्स हूँ जहाँ मैंने महीनों इतना स्ट्रेस झेला कि कौन सा कॉलेज लूँ, कौन सा अच्छा है, किसका प्लेसमेंट अच्छा है। फाइनली अब मैंने ले लिया है, अब मैंने अपना 10 लाख 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। बट ये टाइम रिलैक्स होने का, चल आउट करने का नहीं है, ये टाइम है टू बी इन एक्शन। यार तुमने 12 13 साल 14 साल मैंने कम बोल दिया 17 18 साल अपनी स्कूलिंग को दिए, राइट, देन फिर आपने तुमने 3 साल अपने ग्रेजुएशन को दिए, और मैं ये नहीं कहूंगी तुमने बिल्कुल काम नहीं की, मेहनत नहीं की, बट अब ये 2 साल फाइनल मेहनत के हैं जिसके रिजल्ट तुम्हें 2 साल मिलेंगे। तो अगर तुम एकदम चिल आउट हो गए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी इन एक्टिव पोजिशन, बिकॉज 2 साल अगर तुम ये सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करने में, चिल आउट करने में, घूमने में, फिरने में, कॉलेज लाइफ इंजॉय करने में निकाल दिए, तुम 2 साल बाद रिग्रेट करोगे। तो अगर तुमने ऐसा सोच कर रहे हो या ऐसा सोचा है तो प्लीज पॉज आउट देयर। या 2 साल बाद जब तुम्हारा प्लेसमेंट होगा तो तुम्हें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेसमेंट है वो तुम्हारे कॉलेज पे निर्भर नहीं करता है। कॉलेज सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को बुला सकता है। मैंने कई सारे कॉलेजेस के अभी इस बीच में स्टूडेंट से बात की, बिकॉज मैं कई सारी वीडियोस प्लान कर रही हूँ जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं, भले वो इंटर्नशिप की हो, जॉब की हो, आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, तो आपको बने रहना है। तो सिंपल सी चीज़ है कि मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात की, उनका ये कहना था कि मेरे कॉलेज में 20 लाख का पैकेज तो आया बट कोई भी बच्चा क्रैक नहीं कर पाया, या 25 लाख का पैकेज तो आया डेलॉइट से बट कोई भी बच्चा क्रैक नहीं कर पाया। और वो इसलिए क्रैक नहीं कर पाया क्योंकि उन सभी कॉलेजेस का एप्टीट्यूड बहुत टफ होता है, राइट। कॉलेजेस क्या करते हैं, वो यूजुअली लास्ट के 1-2 मंथ में प्रिपरेशन कराना स्टार्ट करते हैं, और 1-2 मंथ की प्रिपरेशन से आप 5-6 लाख का पैकेज तो निकाल सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू अच्छे बड़े पैकेजेस वो वैसे नहीं होता। तो आपको पहला जो लेसन इस वीडियो से लेना है, अगर तुम लेना चाहते हो, राइट, फ्री एडवाइस है, तो तुम्हें एप्टीट्यूड पे काम करना है, बिकॉज कोई भी कंपनी आए उसका सबसे पहला लेवल होता है एप्टीट्यूड, राइट। दूसरी चीज है तुम्हारा एकेडमिक्स अच्छा है, अगर नहीं अच्छा है, और दोनों ही केस में तुम्हें साथ ही साथ कुछ अपनी प्रोफाइल को इनहांस करने के लिए, भले वो इंटर्नशिप्स हो, भले वो प्रोजेक्ट्स हो, भले वो प्रैक्टिकल थिंग्स हो, वो करनी पड़ेंगी, ताकि तुम्हारे प्रोफाइल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारे परसेंटेज नहीं हो, कुछ अलग से हो यार, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट स्किल्ड पीपल। इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स अबाउट स्किल्स, यू नो, एंड वो दिखना चाहिए यार तुम्हारी CV में, बिकॉज तुम्हारा नाम और तुम्हारे परसेंटाइल जानने में हो सकता है कंपनी को कम इंटरेस्ट हो, क्योंकि वो तो एलिजिबिलिटी में ही मेंशन कर देते हैं कि यार लेट्स से 60 परसेंटाइल वाला बच्चा ही चाहिए, या कुछ कंपनी का कोई ऐसा एलिजिबिलिटी नहीं होता है। तो तुम्हें अपनी स्किल्स पे काम करना है। अपने कॉलेज के बाद इंटर्नशिप देखो, अभी तो वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारी कंपनीज हायर कर रही है, इंटर्नशाला इज अ प्लेटफॉर्म, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं, राइट, तुम वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, पैरेलली काम करना स्टार्ट करो। लेट्स से तुम मार्केटिंग के हो तो तुम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कर सकते हो, तुम अगर ऑपरेशन से हो तो तुम या ऑपरेशन की इंटर्नशिप कर सकते हो, तुम फिनांस से हो तो तुम उससे रिलेटेड इंटर्नशिप कर सकते हो, राइट, तुम HR से हो तो HR की इंटर्नशिप कर सकते हो कंपनीज में, सो दैट तुम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इनहांस करोगे, राइट। साथ ही साथ हैव दैट add on certification, not for the namesake, कुछ अच्छे certification जो तुम्हारे profile में, जैसे for example मैं कई बार IT वाले बंदों को देखती हूँ that they did AI का certification Microsoft से, या फिर AI का certification Google से, तो ऐसे सर्टिफिकेट लेते हैं, वैसे आप भी वो भी कर सकते हो, वो भी आपकी प्रोफाइल को इनहांस करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर तुम लगता है ड्रेसिंग सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम कैसे बात कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज एनर्जी है या नहीं, तुम कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अगर तुम अच्छे हो तो उसको और पॉलिश करो, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ यू गेटिंग द वाइब, नाउ यू हैव योर 2 इयर्स टू गिव योर 100%, राइट।
मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार आईएम में एडमिशन होता है तो अच्छा पैकेज लगता है ना, अगेन फिर से यही चीज कहूंगी, आईएम में एडमिशन उसी का होता है जो कैपेबल है, राइट, जिसके 99-98 आए हैं। अगर तुम टीयर टू में है तो भी तुम कर सकते हो, ट्रस्ट नहीं कर सकते हो यार। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स छोटे कॉलेजेस से निकल के उन्होंने बहुत कुछ किया, और आने वाला टाइम ही यही है। अभी तुम एमबीए कर रहे हो, फ्यूचर जो है वहां पे डिग्री रिक्वायर्ड ही नहीं होगी, वहां पे दे नीड स्किल्स, दे नीड पीपल विद यू नो या स्किल्स, दैट व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर तुम्हें लगता है तुम अच्छे हो तो और पॉलिश करो, नहीं लगता है तो उस पर काम करो, राइट राइट फ्रॉम हैविंग दैट यू नो गेटिंग यूज टू वेयरिंग फॉर्मल्स, कैसे बात करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे इंपॉर्टेंट है, हर चीज मैटर करती है, और कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नहीं अच्छी है, आपने कोई बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, आपकी कॉम स्किल्स अच्छी नहीं है, कई सारे बच्चे इसको लेके सफर करते हैं, तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बिकॉज एप्टीट्यूड एंड कॉम्स एंड योर एक्स्ट्रा स्किल्स इज समथिंग जो आपकी जिंदगी सॉर्ट आउट करने वाली है। मैं कई सारे मैंने बच्चे से ऐसे बात की है कोविड के टाइम पे, जिन्होंने मेरे थ्रू हो सकता है किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, एंड मैंने उनसे बोला कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रिग्रेट नहीं हो रहा है, बट दो स्टूडेंट्स गॉट प्लेसमेंट, राइट। अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स ऑल यू, आपको बेचना है अपने इंटरव्यू के टाइम पे, और अगर आपको बेचना है तो आपको प्रिपेयर अभी से करना पड़ेगा, राइट। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था आज से 5-6 साल पहले, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे कुछ नहीं आता था, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि आज मैं जो कमा रही हूँ, जिस प्रोफाइल पे हूँ, जो मैं कर रही हूँ, वो मैंने आज ही सीखा, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने 6 साल घिसी है, रगड़ी है, वो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, राइट, ये वीडियो बना रही हूँ जिसको तुम सोच रहे हो कि यार वाह यार, कई सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं ना, यू हैव अ वेरी हैपनिंग लाइफ। तो यार इट टेक्स टाइम, यू कैन ऑल्सो डू इट, ट्रस्ट इन यू कैन डू इट, इट्स नॉट अबाउट टीयर वन और टीयर टू कॉलेज, बस तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, हैव फेथ, डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ो, भले वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, बट मैं बहुत प्रैक्टिकली चीज बोल रही हूँ, स्टे फोकस्ड एंड ऑल द बेस्ट। कोई हेल्प चाहिए तो यार नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ और चीजों से रिलेटेड जानना चाहते हो, इंटर्नशिप्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या क्या कर सकते हैं, तो पूछो कमेंट सेक्शन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, बाय बाय। मुझसे कोई सवाल है, मेरी सोशल मीडिया हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे भी जाके सवाल कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।